केमिकल बॉन्डिंग में हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? एमओटी हो गया था क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमने पढ़ लिया था, बॉन्ड एंगल पढ़ लिया था। हाँ जी, क्विकली बताइए तो बता। हाइब्रिडाइजेशन, हाउ टू फाइंड बॉन्ड एंगल, जल्दी बताइए क्या हुआ था लास्ट दिस टॉपिक सर डन केमिकल बॉन्डिंग। सर सर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑर्बिटल थ्योरी। थ्योरी, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड पैरामीटर्स, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ज्योमेट्री एंड शेप्स, डाइपोल मोमेंट, फॉर्मल चार्ज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पचांस रूल। इनमें से कौन कौन टॉपिक हम पढ़ चुके हैं? इट इज डन। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हो गए, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यस सर, बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड अंतरी, बॉन्ड एंगल के यस सर, डेफिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन, यस यस सर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उससे हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल पैरा है कि डायमैग्नेटिक हो सकते हैं, वो सब हो गया, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 वाला, ज्योमेट्री एंड शेप्स, नो सर, डाइपोल मोमेंट, नो सर, फॉर्मल चार्ज, नो सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो सर, पजांस रूल। यस यस सर, सर, तो हमें ये पार्ट कवर करना है, ठीक है? तो वन बाय वन, हर एक फर्स्ट हम कर लेते हैं अल्लाह की शुक्र। देखिए हर एक सर मॉडल जो है फिक्स होता है। हाँ बोल, जल्दी बोलो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी खत्म हो गया। मैंने आपसे पूछा तो आप बोल रहे होगा या नहीं होगा, मुझे बताइए ना। सर लास्ट लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मॉलिक्यूल किया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हमने उसमें बॉन्ड ऑर्डर देखा था क्या? बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर एट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन टू। हाँ नो सर, तो नो सर, ऐसा तो कुछ नहीं। समझ गए। तो आपने सिर्फ स्टार्टिंग का पार्ट हुआ है उसे थ्योरी, इसलिए पूछा हूँ, ठीक है? एमओटी का जो फर्स्ट पार्ट सिर्फ हुआ है जिसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है ना, कि सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s वगैरह वगैरह, है ना? फॉर यस जेड सर, लेस देन इक्वल टू 14 के लिए, और एक मैंने जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 15 के लिए, है ना? दो टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके दिए, जहाँ पे सिग्मा 2p जो है इधर बाद में आता है और यहाँ पे पहले आता है। यहाँ तक हुआ था क्या? बस यस सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था। ओके, तो अभी हमने क्या है, एमओ थ्योरी पढ़ लिया था लास्ट टाइम, उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है। उसकी एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन सर, एप्लीकेशन नंबर वन, एप्लीकेशन सर एमओटी, टूडे हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ एमओटी,
इसमें पहला है टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर, एक मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड बन सकते हैं ये हम निकाल सकते हैं, फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर एंड द फॉर्मूला फॉर दिस बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2 अब ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है ये कहां से मिलेंगे हमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हमको बोला है फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस, फाइंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस बाय MOT, तो अब O2 प्लस में जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, O2 प्लस का जेड का वैल्यू क्या होगा, ऑक्सीजन कितना होता है जी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 8 रहेंगे, 8, दो ऑक्सीजन का 8 + 8 कितना 16, जेड इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 16, ऊपर प्लस चार्ज मतलब एक कम करना है, कितना हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, किसी को दिक्कत है 15 कैसे आया समझ में नहीं आया, ऐसा कोई है, नो, सो जेड इज 15, तो अभी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, 15 इलेक्ट्रॉन्स भरने के अपने को, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 और 15 आया तो हम जानते हैं सिग्मा 2pz पहले आता है, सिग्मा 2pz2 पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, यहाँ तक कितने हो गए जी 10 हो गए, तो इक्वल इक्वल हम देंगे, यहाँ 14 हो गए, उसके बाद पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, एक ही बचा ना यहाँ पे एक आएगा, अब बताओ यहाँ जिसके ऊपर स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और जिनके ऊपर स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बताओ यहाँ पे कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, जहां जहां स्टार नहीं है उसको बॉन्डिंग है, तो ये बॉन्डिंग है 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए है ना, देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है 2, 4, 6, 8, 9 राइट, किसी को दिक्कत इसके अंदर हाउ टू फाइंड बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, सर एंटी बॉन्डिंग कैसे फाइंड करना दोबारा बताना एक बार, देखो जिसके ऊपर स्टार, देखो जहां जहां स्टार आपको दिए स्टार मतलब कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ना, ये जहां स्टार है उसको मतलब क्या है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में रहेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे उनको, मैंने कुछ गलती किया है ये गिनना भूल गया ना ये बॉन्डिंग में, वेट वेट यस तो जिनके ऊपर स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग, इनके स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग है, जैसे इस पे स्टार नहीं है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, 4 यहाँ भी नहीं है 6 और यहाँ भी स्टार नहीं है ना, ये भी गिनेंगे 10 हो जाएंगे और एंटी बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे 4 हो गए 5 ही होंगे 5 एंटी, इज इट क्लियर नाउ, यस अब इसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, द बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कितने 10 एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 5 अपॉन 2 दिस इज 2.5 ऑर्डर, तो O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर जो है 2.5 है, तो इस तरह से हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, क्या आप निकाल सकते हो, मैं आपको पूछ रहा हूँ व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ F2, F2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या निकालिए, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सी हाउ मेनी बॉन्डिंग एंड हाउ मेनी एंटी बॉन्डिंग, एफ कौन सी है, व्हाट हैपेंड, नथिंग सर, प्लीज डू इट योरसेल्फ,
क्विकली. Plus five to configuration for z greater than 15, and then put electrons there. Each orbital can have maximum 2 electrons only. हो गया क्या 18? बॉन्डिंग किसी को मिला आंसर? वन एनीबॉडी? यस सर, सबको समझ में आ गया सर? टू मिनट कुछ लोग कर रहे हैं अभी. अब ये तरीका है देखिए कि आपको यू हैव टू राइट इन योर क्या बोलते हैं बोर्ड स्कूल में आपको लिखना है, इसलिए मैंने बताया आपको. ये स्कूल में आया ना तो ऐसा करने का, ठीक है? जेई में ऐसा नहीं करने का, ठीक है? लेकिन स्कूल के लिए मैंने सर अल्फा 2p जेड भी तो आएगा. एटीन भी हुए क्या सर? हाँ जी सर, आपने अल्फा 2p जेड नहीं लिखा. अल्फा नहीं, सिग्मा, सिग्मा यहाँ लिखा है ना, सिग्मा. हाँ सॉरी, वही सिग्मा, सिग्मा 2p जेड सर. सिग्मा स्टार 2p जेड बोल रहे हो क्या सर? लाइक वो जो ब्रैकेट है पाई 2p एक्स इज इक्वल्स टू पाई 2p वाई, उसके बाद सिग्मा 2p जेड भी तो आएगा. आपने जो फॉर्मूला लिखा है उसके हिसाब से पहले आएगा ना? पहले पहले देखो इधर, यहाँ लिखा है ना मैंने, बाद में नहीं. पहले आएगा ना, मैं लिखा था ना, जेड जब 14 से ज्यादा होता है तो पहले आ जाता है, बाद में नहीं आता है. ओके सर, है ना? यहाँ लिखा है मैंने, जब जेड 14 या 14 से कम होगा तो बाद में आता है, और 14 से ऊपर है तो पहले आता है उसका, ठीक है? तो अभी आपके बोर्ड में जब आएगा तो वैसे कर लेना, ठीक है? आपके सीबीएसई के हिसाब से, स्कूल के हिसाब से. आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी लोग ऐसे ही करते हैं, पर एक और तरीका मेरे पास है जिसमें कि आपको ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. आप शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. क्या आपको शॉर्टकट चाहिए इसके लिए? यस सर. तो देखिए शॉर्टकट कैसे, अगर जेई में क्वेश्चन आया तो आप कैसे करेंगे, कुछ हद तक ये शॉर्टकट काम करेगा. फ्रॉम जेड इक्वल टू 8 टू जेड इक्वल टू 20 तक के लिए शॉर्टकट है, पर ऑफ कोर्स 20 के ऊपर क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, एप्लीकेबल ही नहीं. जेड इक्वल टू 1 से लेके 7 तक आप एमओटी यूज करिए, पर उतना ज्यादा टेंशन नहीं है 1 टू 7 तक, बिकॉज सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 7 भी लिखा, 7 तक भी हम जाते हैं ना, बस सिग्मा 1s और सिग्मा 2s काफी होता है और इजीली हम लर्न कर सकते हैं. कंफ्यूजन इसकी बात होता है ऊपर, यहाँ आगे करो पीछे करो पाई वालो ये करो. जितना हमने याद रखा फर्स्ट कोर भी याद रखा ना जेई के लिए नीट के लिए, तो आपका जो है 1 to 7 तक जड़ का हो जाएगा, और 7 के बाद के जो क्वेश्चन आते हैं वो सब मेरे शॉर्टकट सॉल्व हो जाएंगे. शॉर्टकट क्या है?
जेड इक्वल टू 14 के लिए हमें बस याद रखना है कि आपका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 3 होता है. फॉर जेड इक्वल टू 14 द बॉन्ड ऑर्डर इज ऑलवेज 3. इट इज ऑलवेज 3. अगर मानो तुमको 15 16 17 18 19 20 इनमें कुछ आ गया, अब यहाँ शुरू करेंगे. ये आपको याद रखना चाहिए 3 होगा 14 के लिए. अब इसके आगे जो नंबर आएगा ना, तो 3 के आगे जब जाएंगे तो 0.5 पॉइंट पे घटा दीजिए. 0.5 घटाओ 2.5 हो जाएगा, 0.5 घटाओ 2 हो जाएगा. यहाँ पे 1.5 1 0.5 3 आप याद रखिए 14 के लिए. उसका है जो भी नंबर आएगा 0.5 0.5 घटा दे जाओ, उसका आंसर अपने आप मिल जाएगा. वैसे अगर 14 से नीचे आ गया, उससे लेस आ गया, सेम थिंग करना है, 0.5 0.5 घटाते जाओ. इससे नीचे आओ, इससे ऊपर आओ, बस 0.5 घटाओ, यू विल गेट द आंसर. क्योंकि उस मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर तो जेड पे डिपेंड है. एंड जेड की वैल्यूज, ये जो वैल्यूज आएंगे उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर फिक्स होता है, मॉलिक्यूल कुछ भी क्यों ना हो. अभी सबके सब लर्न नहीं है तो भी सिंपल, 0 से 0 तक का आप जाएंगे बस. या बीच का याद रखिए, 14 का याद रखिए, यहाँ 3 होता है, नीचे जाओ या ऊपर जाओ, 0.5 0.2 बढ़ाते जाओ, घटाते जाओ सॉरी, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर जो है निकल जाएगा. ये टेक्निक है. अब इसको देख के आराम से, फॉर एग्जांपल मैंने आपको पूछा था O2 प्लस का, है ना. अब आप MO3 नहीं करेंगे, इससे करते हैं. तो O2 का बताइए, O2 का जो है O2 प्लस से क्या होगा? O2 का 16 होगा ना. हमने सिग्मा सिग्मा कुछ लिखा ही नहीं, सिग्मा नहीं, सिग्मा स्टार नहीं, कुछ भी नहीं लिखा, है ना. तुरंत आंसर बता दिया. अब तुम बताओ, तुम बिना यूज करे एमओ थ्योरी का शॉर्टकट इस्तेमाल बताना. भी मॉलिक्यूल देता हूं मैं, N2 का क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर? 3 3 3. क्यों? क्योंकि जो जेड की वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जेड 14 है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाए? 3 हो जाए. बताओ B2 0 0. क्यों? थर्ड इक्वल टू क्या है? 8. आप सभी को समझ में आ गया शॉर्टकट? यस सर. तो शॉर्टकट तो मेरे और से आपके लिए गिफ्ट है, परंतु बाय ला आपको तो किताब में दिया एनसीईआरटी किताब से, MO3 जो है बेसिकली क्या है, वो सिग्मा वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला, तो समझना इम्पोर्टेंट है. तो ये एडिशनल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अब ये फर्स्ट एप्लीकेशन था कि बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं MO3 से. सेकेंड एप्लीकेशन क्या है पता है? बॉन्ड केस का आप बोल सकते हो कि एक मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा. सेकेंड एप्लीकेशन इज वी कैन प्रेडिक्ट the existence of a diatomic कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? इफ द बॉन्ड ऑर्डर इज 0 और नेगेटिव वैल्यू, द मॉलिक्यूल does not exist. अगर bond order 0 हो जाए या फिर नेगेटिव हो जाए तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा. जब भी क्वेश्चन एग्जाम ऐसा आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, हमको सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है. जिसका ही बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया या नेगेटिव आ गया, नेगेटिव तो बहुत रह रहे, 0 आ गया तो हम बोलेंगे एग्जिस्ट नहीं करता है. एक क्वेश्चन दो इसके ऊपर. Yes, sir. सेम क्वेश्चन है कि
इनमें से कौन कौन से मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे बताइए सर. O2 नेगेटिव. हाँ O2 नेगेटिव. B2 2 प्लस. ये सही जवाब है. मैं सबका बोल देखो N2 प्लस मतलब लड़की वाली क्या आएगा इसका N2 प्लस का 13. 13 मतलब 2.5. O2 2 माइनस मतलब 18. 18 मतलब बॉन्ड ऑर्डर इज 1. Li2 मतलब 6 होगा है ना. 6 के लिए हम निकालेंगे लेस देन 8 हम निकाल सकते हैं सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 ये हो गया 6. तो बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 4 4 माइनस 2 बाय 2 दिस इज 1 दिस इज 1. B2 इज z इक्वल टू 10 10 मतलब बॉन्ड ऑर्डर इज अगेन 1. B2 2 प्लस बॉन्ड ऑर्डर इज 8 8 के लिए क्या होगा 0 मतलब कर दे सकते यार 0.5 पॉइंट घटा के मेरे दिमाग को याद हो गया उसी लिए मैं जल्दी कर रहा हूं. F2 माइनस मतलब 20 20 के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या है 0 8 और 20 का 0 है. सो कौन कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा ये दोनों. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी. यस सर. तो मैं तो पूछ सकता हूं. नो शंका. नो सर. आपके स्कूल में भी सर ने शॉर्टकट दिया था क्या सर? सर चैप्टर. नो सर. जिनका चैप्टर हुआ है शॉर्टकट नहीं दिया सर. तो हुआ ना अंतर स्कूल टीचर में और मेरे में. सर स्कूल टीचर तो जो नोट्स भी देती है ना तो अगर चैप्टर 20 पेजेस का है तो स्कूल टीचर के नोट्स 100 पेजेस के होते हैं. बहुत डिटेल्ड है यार. तो फिर सर उसमें शॉर्टकट कहाँ मिलेगा अभी? अच्छा वो लेंथी पढ़ाते हैं. ज़्यादा ही लेंथी सर. सही है ना उनका उनका काम सब्जेक्टिव है ना उसे लेंथी पढ़ा. कोई बात नहीं. विल नॉट कंपेयर. सेकंड थर्ड एप्लीकेशन इज we can predict the magnetic behavior. we can predict the magnetic behavior. देखो एक मॉलिक्यूल जो है या तो पैरा मैग्नेटिक होता है या तो डायमैग्नेटिक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरा मैग्नेटिक? जो सब्सटेंसेस जो है वो मैग्नेट के प्रति अट्रैक्ट होते हैं उनको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक और जो मैग्नेट से रिपल होते हैं उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक. तो ये मॉलिक्यूल्स का कौन सा बिहेवियर है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है कि डायमैग्नेटिक है ये पता करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं थ्योरी का. कैसे? अगर उस मॉलिक्यूल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उसको हम पैरा मैग्नेटिक बोलेंगे. अगर उसके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो बाय डिफॉल्ट अगर कोई पैरा मैग्नेटिक नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा. अदरवाइज Um,
सो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, पता करने के लिए वापस हमें कॉन्फिगरेशन देखना पड़ेगा। एग्जांपल लेता हूं मैं, कैसे एमओडी से हम देख सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब जो है जो जोड़ीदार जिसका नहीं होता, अकेला इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन जोड़ी में नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी ने हमसे पूछा O2 जो है ये पैरा है कि डाया है। समझ करेंगे Z इक्वल टू 16, विल राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। कितने हो गए ये 14 हो गए ना, पाई 2px स्टार। अब दो इलेक्ट्रॉन बचे हैं, यहां ध्यान देना जब भी आप इनको इलेक्ट्रॉन्स भरोगे ना इनके अंदर इक्वल टू साइन है तो हमेशा इक्वली इक्वली भरना होता है। तो यहाँ पे 2 इक्वल इक्वल था, अभी दो बच्चे बस, तो आप दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भर सकते यहाँ पे, यहाँ दो इज जीरो पॉसिबल नहीं है बिकॉज दे इक्वल एनर्जी। तो हाउ यू शुड फील, दो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे एक और यहाँ पे एक आएगा, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है उनके, तो दे हैव इक्वल एनर्जी, तो हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर दो इलेक्ट्रॉन बच गए आपके तो यहाँ पे एक यहाँ पे एक, तीन है तो फिर यहाँ दो और यहाँ पे एक, कोई ऑप्शन नहीं है उसको, है ना। आप एक एक वापस यहाँ एक भरेंगे दो एक आ जाएगा, चार है तो यहाँ दो ऐसा, और एक ही है तो यहाँ पे एक ही आएगा, कोई ऑप्शन नहीं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है इस ऑर्बिटल में 2px में एक ही इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक ही इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो पेयर नहीं है वो अनपेयर्ड है, उससे कोई जोड़ीदार नहीं है। बताओ यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन O2। हाँ जी, किसी को शंका इसके अंदर? नो सर। व्हाट इज बीइंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या अगर हमने क्या बोला एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे दो दो है, एक नहीं बल्कि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक भी प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो ही वो डायमैग्नेटिक हो सकता है। अब ये तरीका है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकालने का। अगर मतलब वापस आपका स्कूल एग्जाम में आता है क्वेश्चन इसके ऊपर, तो आपको इस तरह से कॉन्फिगरेशन लिख के दिखाना पड़ता है और बताना पड़ता है कि यहाँ पे इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और क्योंकि अनपेयर्ड प्रेजेंट है इसलिए पैरामैग्नेटिक। क्या मैं आपको शॉर्टकट दूं नीड और जेई के लिए बिना इसे कुटाने के रेस निकालने के? अगर आपको एमओ थ्योरी सर सब लिखना नहीं है, कुटाने नहीं करना है, तो फिर एक तरीका मेरे पास, आप यूज कर सकते, आप जेड निकाल सकते हो ना, find the value of z, ठीक है। If the value of z is odd, then it will be paramagnetic. And if the value of z is even, it will be diamagnetic. Except 10 and 16. 10 and 16 जो है, though they are even, बट स्टिल दे आर पैरामैग्नेटिक। इतने याद रखना है बस, इतने बातों को आपने याद रखा तो हर एक मॉलिक्यूल का पैरा डाया बोल सकते हैं आप। अगर जेड ऑड आया तो पैरा होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। इवन आया तो चेक कर लेना 10-16 तो नहीं है, अगर वो 10 या 16 होगा तो इवन होने के बावजूद भी वो पैरामैग्नेटिक ही होगा। इसके अलावा कोई और इवन नंबर हुआ तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। सिंपल है? Yes, अभी आप बोल सकते हो, जैसा आप भी देखिए O2 तो मैंने बोला Z16 आया तो हम जानते हैं हमारे एक्सेप्शन में 10-16 जो है पर वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, डायरेक्टली हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। वैसे ही मान लीजिए आपको मैंने दिया O2 2+, बताओ ये पैरा है कि डाया है? पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि O2 मतलब 16, 2+ दो निकाला, Z इक्वल टू क्या है 14 आएगा इसका, Z 14 है, इवन नंबर है, तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक। बताइए N2+, पैरा,
13 आएगा, n2 का 14 ऊपर एक निकाल दे 13 हो जाएगा, ऑड नंबर है उससे लेके आओगा पैरा। किसी को शंका इसके अंदर? नो सर। तो दिस इज द एंड ऑफ एम थ्योरी, ठीक है, यहाँ पे एम थ्योरी समाप्ति होती है। बस एक और चीज आपके हिसाब से मैं बात करें ना, आपके टेक्स्ट बुक में इसके डायग्राम्स भी दिए हुए हैं, इसके डायग्राम्स दिए हुए हैं जो हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं होता है, जेईई और नीट में पढ़ाते नहीं जेईई वाले, पर आपके स्कूल में आपको पढ़ाते होंगे वो डायग्राम दिए रहते हैं ना, समथिंग लाइक यू नो समथिंग लाइक दिस डायग्राम बनाते ना किताब में, है ना? यस सर। मतलब डायग्राम्स स्कूल डायग्राम्स हम नहीं पढ़ाते हैं बिकॉज़ उसका कोई भी यूज नीट और जेईई में नहीं है, दैट्स व्हाई डोंट टीच। सो बाकी बातें हो चुकी है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं। समय के साथ टॉपिक चुनूंगा मैं, समय कम है तो मैं टॉपिक चुनता हूँ, इतने समय में खत्म कौन सा हो जाएगा। हम लेते हैं फॉर्मल चार्ज, अब प्लीज देखना इसको ध्यान पूर्वक, एनसीईआरटी आपने 50 बार पढ़ भी लिया ना तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे आप फॉर्मल चार्ज को, 50 बार पढ़ लेना, कितने बार 50 बार, उसके बाद भी फॉर्मल चार्ज क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप ध्यान पूर्वक देखना इस टॉपिक को, क्योंकि ये जस्ट पढ़ के सॉल्व होने ऐसा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा यहाँ पे और अंडरस्टैंडिंग चाहिए और टेक्निक चाहिए करने। देखिए फॉर्मल चार्ज कंसेप्ट जो है ना, आप जानते हैं आप लुईस बॉयस साहब को, वो जिन्होंने दिया था ये स्टार्टिंग में ऑक्टेट रूल वगैरह, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। यस सर। हाँ जी, तो उसी दौरान जब उन्होंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर, सबको पता होगा ना लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑक्टेट रूल वगैरह, ये सब कंबाइंड ही है, और उसी के साथ जो है ना फॉर्मल चार्ज कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। तो ये जो कंसेप्ट है फॉर्मल चार्ज का, क्यों मैंने बोला अभी करना बहुत मुश्किल है पढ़ने के बाद ही, क्योंकि हमारे दिमाग कैसे और बहुत सारे नए जितने हम जानते हैं आज, पर जब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना हमको उस जमाने में जाना पड़ता है, वी हैव टू गो टू द जमाना ऑफ लुईस, और उसके जमाने के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व के तभी आंसर आएगा, आप आज के हिसाब से करेंगे तो नहीं आएगा आंसर, आंसर कुछ और आएगा। नहीं, हमको आज का जो नया नया इन्वेंशन और कोच है वो सब बाजू में रखना है, लुईस के टाइम पे इतना इन्वेंशन कोच हुआ था उतना ही दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करे तब इसका आंसर आता है। अब लुईस जी क्या बोलते हैं, हर एक एटम जो होता है जब मॉलिक्यूल बनाता है कंपाउंड बनाता है तो किस लिए बनाता है, अपना ऑक्टेट पूरा करने के, है ना? और वो क्या बोलते हैं कि हर एक एटम जो मॉलिक्यूल में होता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट कंपलसरी होना चाहिए। क्या बोलते हैं, कंपलसरी उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, वही तो ऑक्टेट रूल। दो ये अलग बात है कि बाद में हमने देखा कि सब कंपाउंड ऐसे फॉलो करते नहीं है, ऐसे भी कंपाउंड है जिनका ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे बी एफ थ्री मॉलिक्यूल में बोरॉन जब 3 बॉन्ड बना लेता है उसके बाद भी उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 8 कंप्लीट नहीं होता है, फिर भी ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, दिस इज अगेंस्ट द ऑक्टेट रूल। इफ यू सी SO3 में सल्फर के जो है कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 6 बॉन्ड है, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर भी ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, इसके 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, ये बना दिया सुपर ऑक्टेट, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्टेट, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सपेंडेड ऑक्टेट, सुपर ऑक्टेट या एक्सपेंडेड ऑक्टेट बोलते हैं इसको। तो ऐसे भी मॉलिक्यूल्स है जहां पर एटम्स के 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स है, और ऐसे भी मॉलिक्यूल्स है जहां पर एटम्स के 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, ना, दोनों प्रकार के मॉलिक्यूल हम देखते हैं जो ऑक्टेट को फॉलो नहीं करते हैं। पर ये क्या बोलता है, उसके हिसाब से हर स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से ही बना हुआ है,
कैसे बनाओ कि हर एक एटम का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए और उसके बाद देखना कि कोई उस एटम पे कितना चार्ज है. द चार्ज ऑन एन एटम इन ए मॉलिक्यूल व्हेन इट इज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द लुईस है ना, दैट चार्ज ऑन दैट एटम इज कॉल्ड एज द फॉर्मल चार्ज. उस एटम के ऊपर चार्ज है मॉलिक्यूल में, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मल चार्ज. चार्ज ऑन एन एटम मॉलिक्यूल तो उसका फॉर्मल चार्ज कहलाता है. उदाहरण के लिए जो है ना एनसीईआरटी में और बहुत सारी किताबों के अंदर एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, वो है ओजोन. ओजोन बहुत फेमस और सभी जगह पे ऑलमोस्ट यही एग्जांपल का इस्तेमाल किया गया है एनसीईआरटी एज मेरे रेफरेंस बुक्स आल्सो. तो मैं भी पहले वही एग्जाम्पल दूंगा, पर उसके अलावा वो एग्जाम्पल्स भी मैं आपके लिए लूंगा जो कोई डिस्कस करता नहीं है, ताकि आप समझ जाए कि कैसे हम निकालें. जैसे O3 मॉलिक्यूल जो है आप बनाओगे, ये है O3 मॉलिक्यूल, ठीक है. अब यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस चार्ज हुआ है, बिकॉज आप जानते हैं ऑक्सीजन जो है 8 से ऊपर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ऑक्सीजन. यहाँ पे तीन तीन बॉन्ड हो गए ना, तीन बॉन्ड हो गए मतलब एक प्लस चार्ज होना चाहिए उसके ऊपर. यहाँ पे देखो हर एक एटम को जो है ऑक्टेट पूरा होगा. यहाँ पे O के ऊपर माइनस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है उसका, वो माइनस कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना. एक से बॉन्ड बना दिया 8 हो गए कुल मिला के. वो प्लस मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस ऑर्डर मोशन में, 5 ही होंगे. तो 1 2 3 4 5 तीन बॉन्ड बनाया उसी उसने, ताकि 8 हो जाए ऑक्सीजन पूरा हो जाए. इसमें कोई चार्ज है मतलब नॉर्मल ऑक्सीजन है, नॉर्मल ऑक्सीजन में कितने यहाँ पे हर एक ऑक्सीजन का क्या ऑक्टेट पूरा है. आर यू एबल टू सी एवरी ऑक्सीजन हैज इट्स ऑक्टेट कंप्लीट. यस सर. यस. अब ये सभी ऑक्सीजन ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं. अब बताओ अगर इसको मैं नाम देता हूँ इस ऑक्सीजन को ए बी सी, ऑक्सीजन ए का फॉर्मल चार्ज क्या है, जो चार्ज उसके ऊपर आपको दिख रहा है ना मॉलिक्यूल में वही उसका फॉर्मल चार्ज है. तो हम बोलेंगे इसका फॉर्मल चार्ज माइनस वन है. ऑक्सीजन बी का फॉर्मल चार्ज क्या है, प्लस. ऑक्सीजन सी का फॉर्मल चार्ज क्या है, जीरो. तो फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट ऑन द ओजोन. तो तीन फॉर्मल चार्ज अलग ऑक्सीजन के, माइनस वन प्लस वन और जीरो. तो ये जो चार्ज है मॉलिक्यूल का पिक्चर पूरा ड्रॉ करने के बाद, स्ट्रक्चर बनाने के बाद, जो चार्ज उस एटम के ऊपर आपको दिखता है उसी को हम फॉर्मल चार्ज बोलते हैं. अभी आप मुझे क्या बोलेंगे, सर चार्ज कहाँ से आ गया है, O3 में कोई चार्ज होता ही नहीं. जब O3 ओजोन होता है, O3 में कोई चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है. सर O3 में कोई चार्ज है ही नहीं, यहाँ चार्ज कैसे आ गया. सर देखिए सर यहाँ माइनस वन है, यहाँ प्लस वन है. तो माइनस वन प्लस वन जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा. तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर चार्ज नहीं आएगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, बिकॉज दिस चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल इज द टोटल चार्ज ऑफ ऑल द एटम्स. सभी एटम्स का नेट चार्ज जो है इसके ऊपर हम लिखते हैं, और ये नेट चार्ज जीरो हो जाता है, इसलिए मॉलिक्यूल में कोई चार्ज नहीं है. नाउ दिस इज द फेमस एग्जाम्पल व्हाट एवरीबॉडी डिस्कस अबाउट O3. लेट मी टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. Say in the examination you're asked for ClO4 minus. यहाँ पे क्लोरीन का फॉर्मल चार्ज क्या है. Now in general what this intelligent kids do, because अभी हम पढ़ेंगे next topic पे अगले बार geometry and shapes के बारे में, वो structure draw करेंगे इसका. मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं, वो structure draw करेंगे फटाफट ClO, just geometry shape पढ़ लेते हैं, they'll draw structure like this. Now this is the structure of ClO4 minus in general. ये आधुनिक अभी के सिस्टम के हिसाब से जो हम पढ़ते हैं. तो अब बोलते हैं क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ क्लोरीन.
यहाँ बताओ क्लोरीन में कोई चार्ज दिख रहा है क्या आपको? कोई चार्ज क्लोरीन के ऊपर यहाँ पे नहीं है ना, तो वो क्या बोलते हैं, आंसर क्या है, फॉर्मल चार्जेस जीरो बोलते हैं। और ये गलत जवाब है, ये जवाब गलत मिलता है। अरे क्यों मिला गलत भाई, जब फॉर्मल चार्ज की बात आ रही है तो आप अपने हिसाब जो स्ट्रक्चर बनाओगे वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको स्ट्रक्चर बनाना है अकॉर्डिंग टू द लुईस। लुईस अगर होता आज तो लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाता वो देखना है, उसके हिसाब से जो है हर एक एटम का ऑक्टेट ही होना चाहिए। लुईस बोलता है भाई तूने यहाँ पे क्लोरीन के कितने 7 बॉन्ड बना दिए हैं, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, ये स्ट्रक्चर गलत है। किसके हिसाब से गलत है ये? लुईस के हिसाब से ये गलत नहीं है, स्ट्रक्चर सही है। जब भी हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग किसी तरह बनाते हैं, परंतु उसके जमाने में गलत था, तो उसके हिसाब से गलत है। उसके हिसाब कैसे बनाएंगे हम, पता है ऐसे बनाएंगे, देखो जितने भी ऑक्शन है पहले आप O माइनस ध्यान दो टेक्निक कैसे कर रहा हूँ, जितने भी ऑक्शन है सराउंडिंग सबको O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस डाल देना, चार ऑप्शन है, चार सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे। अब आपको एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट, अपने आप सब बनता जाएगा। जैसे आपने O माइनस कर दिया तो बाय डिफॉल्ट एक बॉन्ड और O माइनस हर एक ऑप्शन का ऑक्टेट पूरा हो गया। अभी बस आपको देखना है Cl का, जनरली बताओ Cl के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। उसने कितने बॉन्ड बनाया अभी? 4 बॉन्ड। कितने और ऐड हो गए इलेक्ट्रॉन्स के पास? 4 ऐड हो गए। फ्रॉम ईच बॉन्ड यू गेट 1 इलेक्ट्रॉन, कुल मिला कितने हो गए? 11 हो गए। पर कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। कितना ज्यादा हो गया है? 3 ज्यादा हो गए। तो यहाँ पे अगर 3 प्लस डाल दो, क्या डाल दो? 3 प्लस चार्ज डाल दो। क्या यहाँ मैं Cl पे 3 प्लस डाल दूं, क्या Cl का एग्जैक्टली 8 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स पे? यस सर। यस, आप बोलेंगे सर देखते हैं क्या आपने जो मॉलिक्यूल बनाया है बराबर है, कैसा चलेगा, क्रॉस चेक कर लेते हैं। किससे क्रॉस चेक करेंगे? इस मॉलिक्यूल का, ये मॉलिक्यूल था ना, इस मॉलिक्यूल पे नेट चार्ज देखो, नेट चार्ज के -1 है। अब ये सारे चार सब एटम्स के ऊपर सबको आप ऐड करो, देखो -1 आता है। Add all the formal charges of all the atoms and see whether you're getting -1. Yes, sir. Yes. इसका मतलब हमारा स्ट्रक्चर जो है सही है, ठीक है। अब इसका एक्चुअली आंसर क्या है? फॉर्मल चार्ज ऑफ क्लोरीन इज हियर 3 प्लस 3 इज द फॉर्मल चार्ज, जबकि अपना मॉडर्न बंदा जो क्या बोलता है 0 बोलता है। नहीं, 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, एग्जाम में आंसर क्या होगा? प्लस 3 होगा। तो यहाँ पे लोग गलती करते हैं क्योंकि वो इतने सारे एग्जाम्पल पढ़ते ही नहीं, वो सिर्फ ओजोन का एग्जाम्पल पढ़ते जाते हैं और डेफिनेशंस पढ़ लेने से आंसर निकलता नहीं। टेक्निक चाहिए कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। ये मॉलिक्यूल आपने लिख लिया क्या, बना लिया? यस सर। अच्छा अभी आप थोड़ा दिमाग समझ नहीं आया, अभी आप दिमाग लाए करिए खुद से, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देता हूँ, SO4 2-. आपको बस क्या दिमाग लगाना है, जैसे आप पजल खेलते हो ना, गेम खेलते हो ना, अलग अलग गेम में दिमाग लगाते हो, यहाँ पे दिमाग ऐसे ही लगाना है। आपको देखना जितने भी एटम्स होंगे ना, सभी एटम का 8 से ऊपर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जितने भी आपको ऑप्शन दिए हैं वो सबके ऊपर डालना O-O-O-O-, और जो सेंट्रल एटम है उसको एक बॉन्ड जोड़ देना, अपने आप आंसर आना शुरू हो जाएगा। करके देखो, नहीं हुआ फिर समझाता हूँ, एक 2-3 एग्जांपल लूंगा, सबको समझ में आ जाएगा होपफुली। नहीं समझा तो कोई बात नहीं, फिर एनसीईआरटी पढ़ ले। लास्ट ऑफ किसी ने किया? एनीबडी डिड? थैंक्स। चार ऑप्शन है, O माइनस फर्स्ट स्टेप इज दिस, जितने भी ऑप्शन है सब में O माइनस चार के सिंगल बॉन्ड बना लो, बिकॉज सिंगल बॉन्ड और O माइनस से बाय डिफॉल्ट ऑप्शन का 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। कि ये बात क्लियर है क्या? O माइनस को एक ऑप्शन का ऑक्टेट हो जाता है, ये आपको पता है?
यस सर। पहले से ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे आप ओ माइनस बोलते हो तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, तो उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसलिए वो एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो एक बॉन्ड बनाने से ऑक्सीजन ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो सिर्फ बात किसकी रह जाती है, सेंट्रल एटम सल्फर का। तो सल्फर को आपको 8 ही करना है, 8 करने देखने क्या करना है आपको। अब सल्फर का जनरली आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन जनरल सल्फर का 6 रहेंगे, है ना। 6 इसके आउटर मोस्ट शेल में है, कितना बॉन्ड उसने बनाया, 4 बॉन्ड बनाया है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे टोटल अभी उसके पास, 10 हो गए। तो 8 करने के लिए कितना पॉजिटिव चार्ज डालो उसके ऊपर, 2। क्या इसके ऊपर 2 प्लस करूं, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा? यस सर। एग्जैक्टली 8 करना है। अभी कुछ देर पहले जिसने बोला समझ में नहीं आया, क्या आपको समझा? नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आई एम नॉट एबल टू हियर यू। ओके, बाकी सबको समझा? यस सर। आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स करना है, या 10 हो गए थे, आपको यहाँ 8 करने के लिए कॉमन सेंस वाली बात है, 2 निकालना पड़ेगा। अगर 2 निकाल देंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। हम क्यों कर रहे हैं सब उठाने, भाई क्या करे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसी लिए कर रहे हैं, ये सब गरज नहीं है करने की हमको। बस अभी हम जानते हैं कि एक्चुअल ऐसा होता नहीं है, पर हम करें कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है ना, तो हम करना पड़ेगा, हमें एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं उसी लिए हम कर रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है। तो यहाँ फॉर्मल चार्ज कितना है सल्फर का, +2। एक और क्वेश्चन ले लो, बताओ यहाँ Cl का फॉर्मल चार्ज क्या होगा। थ्री प्लस और किसका है 3+, शिवम का? सिंगल बॉन्ड बना दो, हर बार वही कर रहा हूँ। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जनरली? 7। 7 होंगे, 17 ग्रुप के एलिमेंट है उसमें। 3 बॉन्ड यहाँ बना रहे हैं, तो 7+3 कितना होगा, 10 होगा। पर कितना होना चाहिए, सिर्फ 8 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल, 8 ही होना चाहिए, पर है 10। 10 को 8 अब कैसे बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो आ जाएगा चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ क्लोरीन हियर इज +2। क्लियर? यस सर। किस किस को फॉर्मल चार्ज कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, रेज योर हैंड प्लीज। फॉर्मल चार्ज निकालना कैसे, ये बात क्लियर नहीं हुआ, रेज योर हैंड। सभी को क्लियर है? हाँ ना यार, MO theory is clear, how to find the bond order, how to find para, dia, and how to find the molecule exists or not exists. ये चार चीज हमने पढ़ा है। इसमें कोई बात नहीं, आपको शंका तो raise your hand, I will clear your doubts. Raise your hand if you have any doubt in today's session. Yes, Jaydeep. जयदीप बोलो सर, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का मीनिंग बताओ। पैरामैग्नेटिक मतलब होता है दो सब्सटेंसेस विच आर
वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, जो मैग्नेट के प्रति अट्रैक्ट होते हैं जनरली, और जनरली पैरा मतलब होता है बहुत वीकली अट्रैक्शन होता है। एक और वर्ड भी है जो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, बाद में बात करेंगे, पर उनके अट्रैक्शन होता है मैग्नेट की ओर, उसको बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। और जो डायमैग्नेटिक होता है वो रिपल होता है, इफ यू गेट देम टुवर्ड्स मैग्नेट दे गेट रिपल्ड बाय मैग्नेट, उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। ओके जयदीप क्लियर? यस सर। या शिवम सर, वो कॉन्फिगरेशन दोबारा बताना सर, मतलब क्या कॉन्फिगरेशन कॉन्फिगरेशन करना सर? एक काम करो, टाइप करके बताओ, मुझे आपका आवाज क्लियरली नहीं आ रहा। टाइप इट इन चैट बॉक्स। एनीबॉडी एल्स एनी प्रॉब्लम इन सेशन? यू कैन आस्क, स्टिल आई हैव टाइम। नोबडी? ओके, शिवम ने टाइप किया क्या? वाई टू प्लस सर कॉन्फिगरेशन, समझा नहीं मुझे क्वेश्चन तुम्हारा। वाई सर कॉन्फिगरेशन क्या है? किसका कॉन्फिगरेशन? एनीबडी एल्स The question, can you explain me? Yeah. Sir, वो कह रहा है कि SO4 minus में S को 2 plus charge क्यों मिला? अच्छा अच्छा, same को यही question है शिवम तुम्हारा। देखो octet मैंने बोला ना, इसको हमें जब formal charge निकालते हैं तो we have to follow the octet rule। तो sulfur के ऊपर जो है हमें देखना है किसी न किसी प्रकार से उसके ऊपर जो है कितने electrons हो जाए। सर्कल के आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन से पहले से 6 इलेक्ट्रॉन, ऑलरेडी सर्कल के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितने 4 बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड से हर एक बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, से 1 2 3 4 तब इसके आउटर मोस्ट शेल में हो गया इतने 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। पर ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? 8 ही होना चाहिए। बताओ 10 को 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 को 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दो इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा, है ना? दो इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा, हमने वही किया दो इलेक्ट्रॉन। अगर दो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो वो चार्ज क्या आएगा? 2 तक आएगा। क्लियर? थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक